अरे अभिषेक की मम्मी, आज मैं शादी में जाने वाला हूँ। पता है उस शादी में ना वो लड़की वाले दहेज में लैम्बोर्गिनी कार और बहुत सारा दहेज दे रहे हैं। क्या इतने सारा दहेज? पर आप एक बात सुनो मेरी, अपने लड़के के लिए भी ऐसी कुछ लड़की देखो जिससे दहेज कमा सके अपन और अपनी जिंदगी आराम से कट सके। अरे हाँ, है एक दोस्त मेरा। पापा मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? मेरे दोस्त की कोई बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। अरे हाँ चला जा, पर जल्दी आना, मैं तेरे शादी के लिए बात करने जा रहा हूँ, लड़की ढूंढने जा रहा हूँ मैं तेरे लिए। अरे ठीक है पापा। हाँ हाँ अच्छी बात है, पर अच्छी लड़की ढूंढना जिससे मुझे एक कार मिल सके। ठीक है बाय बाय। अरे अभिषेक की मम्मी, तू टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त है, वो शादी के लिए और दहेज के लिए कभी भी मना नहीं करेगा मुझे। वो इतना अच्छा दोस्त है मेरा, हम उसे दहेज में फंसा लेंगे और उसे दहेज देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता, मैं कॉल करूंगा उसको। अरे जानू उसे तुरंत कॉल करो ना यार, फिर कब कॉल करोगे तुम? अभी कॉल कर दे तो पता तो पड़ जाता वो क्या बोलता है। ठीक है यार, तू बोल रही है तो अभी कर देता हूँ कॉल उसको। अरे हाँ शैलेंद्र, अच्छा तेरे लड़के के लिए लड़की देखनी है क्या? अरे मेरे पास भी एक लड़की है, देख लूंगा तेरे लड़का, अगर अच्छा लगेगा तो दोस्ती को रिश्तेदार में बदल देंगे यार। ठीक है भाई, रखता हूँ। अरे अभिषेक की मम्मी वो कल आने वाला है, घर की सफाई कर लो जल्दी तुम। अजी ठीक है, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। अरे अभिषेक की मम्मी, घर को चमका दे जिससे हम वीआईपी लगे और वो हमारे घर को और हमको देख के मना नहीं कर सके दहेज देने के लिए। ठीक है, तू अच्छी तरह से सफाई कर। अरे चल ठीक है, मैं भी काम करा देता हूँ, सफाई करवा देता हूँ यार, तेरी मदद करा देता हूँ। कितना गंदा हो रहा है अपना घर, कभी सफाई नहीं करते हैं यार हम। अरे अभिषेक की मम्मी सुनते हो क्या, इधर आओ। बस आई, एक मिनट रुको, क्या काम है आपको बोलो। अरे तू सफाई कर और मैं बाजार से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, कुछ अच्छी अच्छी चीजें जिससे हम वीआईपी लगेंगे। अरे यार कोई ग्राहक भी नहीं है यार, कोई बोनी बट्टा नहीं हुआ आज तो, कल मुझे देखने के लिए जाना। अरे ग्राहक खड़े हैं, चल के पूछता हूँ कहाँ जाएंगे यार। अरे यार मुझे वहाँ पे भी जाना, गाड़ी में तेल नहीं है, ऐसे करके फोन बना लेता हूँ चलने के लिए। अरे बाबूजी कहाँ जाओगे तुम? यस हम मिल के पास जाएंगे, और हमें वहाँ तक तुम छोड़ दोगे? कितने पैसे लोगे? अरे साहब जी मैं 500 रुपये लूँगा आपको और वहाँ पे सेब छोड़ दूँगा आपको। अरे नहीं तुझे 200 रुपये ही देंगे हम। नहीं साहब जी, चलो 250 रुपये दे देना, ठीक है? मैं बहुत गरीब हूँ साहब जी। अरे चल ठीक है, आजा गाड़ी चला जल्दी तू। ये लो साहब जी आपका स्टेशन आ चुका है, उतरो जल्दी, मुझे कहीं पे जाना भी है। ये लो ये पकड़ो तुम्हारे 250 रुपये, कुछ ज़्यादा पैसे ले लिए, ठीक है चलते हैं हम। तुम जाओ हम भी चलते हैं अभी। अरे ठीक है यार चलता हूँ घर पे, आज काम भी है मुझे, कल कहीं पे जाना भी है जल्दी। ए मम्मी मैं आपकी मदद करा दूँ क्या, थोड़ा काम कर दूँ मैं आपका, हाथ बटा दूँ? अरे नीनी बेटा ऐसा काम मत कर, तेरे पापा देख लेंगे, डांटेंगे मुझे, तू पढ़ाई कर बेटा। अरे वो किरण की मम्मी कहाँ है? अरे किरण की मम्मी मेरी बात सुन। क्या हुआ जी, वो इतना शोर कैसे मचा रहे हो तुम? अरे यार मैं आज जल्दी आ गया, मेरे दोस्त का कॉल आया था मुझे, उसके एक लड़का आया तो उसे किरण के लिए देखने के लिए जाना था मुझे इसलिए। और एक बार मैं किरण से भी पूछ लेता हूँ। किरण बेटा बाहर आ थोड़ी। ओ किरण बेटा। जी पापा बोलिए क्या बोल रहे हो? अरे बेटा तू लड़का देखना चलेगी क्या? तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें सोच रहा था तुझे भी दिखा के लेके आ जाऊँ। नहीं पापा जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद है। ठीक है बेटा कल देखने के लिए जाऊँगा मैं। अरे यार तैयार हो गया, सुबह भी हो गई है, आज देखने के लिए चलता हूँ लड़का। किरण। ओ किरण बेटा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और तू पढ़ भी लिया कर बेटा, तेरी मम्मी के काम में कुछ नहीं है, आज का टाइम पढ़ाई का है। ठीक है बेटा बाय बाय, मैं चलता हूँ अभी, ठीक है? और जल्दी लौट जाऊँगा घर पे। हाँ जी अच्छी तरह से जाना और अच्छी बात करके आना, कहीं हैकड़ी मत दिखा देना उन्हें तुम।
ठीक है? ठीक है, चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ मैं। अरे अभिषेक, अरे बाहर निकल, क्या बाथरूम में घुसा पड़ा है? कितनी देर तक रहेगा बाथरूम में? जल्दी आ जा, तेरे को लड़की वाले देखने आने वाले हैं। अरे पापा आया, पेट खराब हो रहा है थोड़ा मेरा। अरे अभिषेक की मम्मी इधर आ, और तेरे उस नालायक बेटे को बुला के लेकर आ। कितनी देर हो गई उसे बाथरूम में, जल्दी बुला के लेकर आ उसे। अजी ठीक है, आने तो उसे, मैं आवाज लगाती हूँ। अरे बेटा अभिषेक बाहर निकल। अरे बेटा लड़की वाले आते ही होंगे, जल्दी बाहर आ। अरे मॉम यार क्या करती हो तुम, आ तो रहा हूँ ना यार, हाथों धो के आ जाऊँ। अरे अभिषेक बेटा इधर आ मेरे सामने, तुझे पता तुझे आज लड़की वाले देखने आने वाले तेरे को, इसलिए तू उनके सामने अच्छी तरह से रही हो शरीफ बन के। मैं तेरे लिए उनसे दहेज में लैम्बोर्गिनी कार मंगूंगा, टॉप वाली। थैंक यू पापा, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली पापा, मैं चलता हूँ भी, थोड़ा तैयार होके आता हूँ। अजी सुनते हो, आपने उनसे दहेज की बात की क्या? फिर क्या शादी में बोलोगे क्या उन्हें कि मुझे दहेज चाहिए? अरे उसे आने दे, फिर बाद में बात करेंगे उसके बारे में। आप सुन रहे हो, गाड़ी की आवाज़ आने लग गई, मुझे लगता आ गई है वो, देखो गाड़ी आ गई है। अरे ये देख मेरा दोस्त आ गया, मैं इसको लेकर आ गया हूँ। अरे आ गया मेरा धनराज भाई आ गया। और भाई क्या हाल है मेरे दोस्त, बचपन के दोस्त? बस भाई अच्छे हैं, हाल तो अपने पूछो मत, तुझे तो पता ही है। चल अंदर चल, यहीं पे खड़े खड़े बात करेगा क्या यार, मैं तेरी भाभी से मिलवाता हूँ, देखिए तेरी भाभी। चलो ठीक है, तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। ले धनराज इधर आके बैठ, हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ बैठ जाए यहाँ पे। हाँ धनराज बैठ, और घर वाले सब अच्छे हैं? और धंधा पानी कैसे चल रहा है यार तेरा? बस ठीक भाई यार, अच्छा ही चल रहा है यार आपकी दया से। चलो ठीक है, पहले चाय नाश्ता कर लो। अरे भाभी चाय तो बहुत अच्छी बनाती हो यार तुम। अरे भाई कौन सा लड़का है बाहर बुलाना है यार उसे, मैं लेट हो रहा हूँ कहीं जाने के लिए। अरे अभिषेक बेटा बाहर आ, ये देख कौन आए मिलिन से। अच्छा ये वाला ये क्या, चल इससे मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। अरे बेटा कौन सी क्लास पढ़ रहा है और आगे क्या करना चाहता है? अंकल मैं MBBS कर रहा हूँ, और मैं आगे बढ़कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा बेटा शाबाश, बहुत नेक इरादे तेरे तो। ठीक है अभिषेक बेटा, तू जा और तेरी माँ का काम में हाथ बेटा। ठीक है पापा मैं जाता हूँ, ठीक है बाय बाय। अरे धनराज मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ यार, हम शादी तो कर रहे हैं पर हमको दहेज चाहिए यार। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम यार, दहेज? हाँ दहेज देना होगा तुझे, और दहेज में लैम्बोर्गिनी कार देनी होगी, और तेरी लड़की जो पढ़ रही है ना उसे हम पढ़ने नहीं देंगे, घर में हाउसवाइफ बना के रखेंगे, काम करेंगे घर का। अरे भाई ऐसा मत करो यार, मेरे पास इतने पैसे कहाँ पे हैं, एक ये बूढ़ी टैक्सी है उससे कमा के खाता हूँ मैं तो भाई, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ऐसा मत करो यार, दहेज मत मांगो। अरे तेरे दहेज देने की औकात नहीं है तो यहाँ पर क्यों आया, चल निकल यहाँ से। अरे भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, ऐसा काम मत कर मेरे साथ भाई, मेरी लड़की की शादी कर ले, इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अगर तू दहेज देगा तभी मेरे बेटे से शादी करूँगा, वरना रहने दे, मेरे बेटे के तो बहुत रिश्ते आएंगे तेरे जैसे। ठीक है तू दूसरी जगह मत करना इसकी शादी, ठीक है भाई मैं पक्का पैसा लेके आऊँगा, ठीक है। अरे बेटा तू तो समझा तेरे पिता को। अरे अंकल मैं क्या समझाऊँ, पिताजी सही तो बोल रहे, और तुम हो एक टैक्सी ड्राइवर, क्या पता तुम दोगे या नहीं दोगे दहेज। ठीक है अभिषेक बेटा, मैं पक्का दहेज लेके आऊंगा तेरे लिए, और मेरी बेटी तेरी को पढ़ाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा तू बेटा, गरीब पर क्या करूँ। और तू सुन भाई पक्का दहेज लेके आऊंगा, कहीं दूसरी जगह शादी मत करना इसकी, ठीक है। चल चल निकल यहाँ से। अरे पापा आपने तो बहुत ही अच्छी बात कर दी। पापा अरे पिता किसका हूँ, पापा मेरे, मुझे पता नहीं था पापा आप इतने अच्छे हो। अरे किरण की मम्मी कहाँ है तू? अजी क्या हो गया, इतना शोर कैसे मचा रहे हो तुम, क्या बात हो गई?
अरे किरण की मम्मी, लड़का मुझे पसंद आ गया, लड़का MBBS कर रहा है। अगर नौकरी लग गई तो अपनी किरण तो सोच रहे कितनी आराम से रहेगी, ठीक है, पर पैसा नहीं अपने पास, क्या करे। क्या करे, कहाँ से लेके आए इतना पैसा। अरे हाँ एक उपाय मेरे पास, तू यही रुक, मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर में। शेर सिंह साहब जी, बाहर आओ शेर सिंह। अरे कौन कलंगा आया रे मारने के लिए साला बंदरिया, क्या रे क्यों चिल्ला रहा है रे। शेर सिंह ये मुझे अपनी जीप बेचनी है और मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। अरे साले तुझे कौन देगा रे 2 लाख रुपए, इसके खटारा के मैं 2 लाख नहीं दे सकता, पर हाँ तेरी लड़की के दे सकता हूँ मैं 2 लाख। सेठ जी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे लड़की की शादी करनी, मुझे 2 लाख रुपए दे दो सेठ जी, 2 लाख। अरे चल निकल यहाँ से, तेरी लड़की के दे सकता हूँ मैं 2 लाख, ठीक है, मेरे पास भेज दे उसे 5 दिन के लिए, तब तो दे सकता हूँ मैं 2 लाख। नहीं सेठ जी मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, ठीक है चलता हूँ कहीं और जगह देखता हूँ। निकल साले मेरा टाइम खराब कर ले, गुस्सा का एक तू, भाग यहाँ से। अरे यार कालू राम जी के पास चलता हूँ, क्या बताओ वो मदद कर दे हमारी, तो साले गरीबों कोई पैसा नहीं देता है। कालू राम जी, कालू राम जी बाहर निकलो, कालू राम जी आपसे काम है। अरे कौन कमबख्त है जो शोर मचा रहा है साले, रुको एक मिनट में आता हूँ। क्या रे क्या शोर मचा रहा है तू, इतना अर्जेंट क्या काम हो गया रे तुझे। सेठ जी मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, आप मेरी ये गाड़ी रख लो। अरे इतना अर्जेंट कहाँ से तेरे को 2 लाख चाहिए, और इस खटाले गाड़ी का कौन देगा रे, देख इसका तो टायर खत्म है रे साले, खत्म गाड़ी है रे ये तो। सेठ जी मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, 2 लाख रुपए दे दो सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ सेठ जी, जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगा सेठ जी। अरे ओ, मेरी बात सुन ले, तो 2 लाख तो नहीं मिल सकते, पर तेरी लड़की अगर 2 दिन भेज देगा, 1 दिन के 1 लाख रुपए दे दूंगा रे, बहुत अच्छी है, मैंने सुना है लोगों से कि तेरी लड़की बहुत अच्छी है छमिया। सेठ जी प्लीज ऐसा मत करो सेठ जी, सारे मेरी लड़की पर नजर क्यों डालते सेठ जी, लड़की होना क्यों जुर्म है क्या, मुझे 2 लाख दे दो सेठ जी, सेठ जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, 2 लाख दे दो मुझे। अरे सुनता नहीं है क्या, अभी 1 लाख की दूंगा यहाँ से, चल निकल यहाँ से, कोई 2 लाख रुपए नहीं है। मुझे नहीं जीना है, आज तो जाके मुझे मरना होगा, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए मुझे, जो अपनी बेटी का सौदा कर सकूं इससे अच्छा मरना ही होगा मुझे, यहाँ से बैठ के मर जाता हूँ, शादी नहीं करनी चाहिए थी, भगवान ने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी मुझे, यहाँ से खुद की आत्महत्या कर लू, इससे अच्छी कोई जिंदगी नहीं है मेरे लिए मरने के लिए। ए खुदा तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, सबको गरीब अमीर में तू, मुझे इतना गरीब क्यों, अमीरों को इतना अमीर, गरीबों को इतना गरीब, जो हम अपनी चीजें नहीं खरीद सकते। अरे ये अंकल कौन है और रो क्यों रहे रहे। बेटे मुझे माफ कर देना, तेरी शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मरने जा रहा हूँ। अरे अंकल गिर गए, अरे मैं जल्दी चलता हूँ यार। अंकल, अरे अंकल कौन हो तुम, अरे अंकल, अंकल कौन है तुम अंकल, अरे अरे ये तो, अरे वो तो ये टैक्सी ड्राइवर अंकल है, कल दिन के साथ बैठ के आया था, और ये क्या लिख के गए हैं, तेज नहीं मिलने पे आत्महत्या कर ली। अरे यार वो इनका घर कब, अरे इनका घर तो पास में है, मैं चल के बताता हूँ यार, क्या लोग हो गए यार, देश की खातिर आत्महत्या कर लेते हैं यार, सरकार भी ऐसी, चलो इनके घर पे बताता हूँ चल के कि तुम्हारा पति वहाँ पे आत्महत्या कर ली, जल्दी चलता हूँ यार।